वालेकुम दोस्तों, आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम जा रहे हैं कोई इंटरेस्टिंग काम के लिए। तो फ्रेंड्स देखते रहिए, स्टार्ट आज का ब्लॉग। देखिए फ्रेंड्स, हमारा कल ब्लॉग नहीं आया था तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक और न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हो, हमारे भाई की जो सब्जी की गाड़ी है वो आ चुकी है और आप देख रहे हो कितनी ट्रैफिक लगी हुई है हमारे भाई के सब्जी ग्राहक की। फ्रेंड्स आप दूर दूर देखोगे तो बहुत ही ग्रामीण इलाका है, लेकिन जैसे ही सब्जी की गाड़ी आती है तो गांव घरों में सोए हुए धूप में लोग बाहर निकल के आ जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स ऐसा है हमारा इलाका, आप देखिए बहुत सूखा है। एक बंदा हमारे पीछे पीछे है जो अपना फ़ोटो कभी कैमरे पे नहीं लेना चाहता है, लेकिन उसका फ़ोटो हम कभी कभी आपको बताएंगे ज़रूर। अगर आप देखिए, वो देखो वो बच्चे आ रहे हैं, वो भी किसी ने घर से भेजे हैं कि सब्ज़ी लेके आओ। तो फ्रेंड्स देखिए कितना दोपहर के माहौल में कितना अच्छा सा नज़ारा आ रहा है। ये मैं आपको टीला दिखा रहा हूँ, ये मेरे से करीब करीब काफ़ी दूर है। तो व्यूअर देखिए ऐसा है ये इलाका। हाँ कपूर माथ मत रखे दा भी, हम जोए मत ही मोड़ी मैं हूँ लहरा बता। देखिए फ्रेंड्स हम आज इसी गाड़ी के अंदर से जाएंगे और आपको दिखाएंगे। आज एक अलग टाइप का ब्लॉग बनाने की हमारी कोशिश रहेगी। इसमें आपको हमने आज से पहले जो चीज़ें नहीं बताई है वो आज हम आपको इस ब्लॉग में बताने की कोशिश करेंगे। बहुत ही एकदम अच्छे से वीडियो बना के आपको दिखाएंगे। देखिए फ्रेंड्स ये है अपना अनवर भाई। फ्रेंड्स ये देखिए सब्जी लेके जा रहे, हमारे स्टाफ में ही थे साथ भी और हम काम पे गए हुए थे, आज बहुत ही जल्दी फ्री हो गए हैं। फ्रेंड्स आज भाई को मैंने बोला कि मैं नहीं जा रहा हूँ, अपना दूसरा भाई है उसी को भेज रहा हूँ साथ में। तो एवर क्योंकि मैं दो दिन गया तो बहुत परेशान हो गया था। अभी देखिए ये जा रहा है भाई, आप देख रहे हो। फ्रेंड्स आज दूसरे रूट जा रहे हैं और मैं बहुत ही परेशान हुआ हूँ, तो इसीलिए मैं साथ नहीं जा रहा हूँ। शायद अपने घर के पास आएगा तो मैं इसके साथ जाऊँगा तो आपको बताऊँ। फ्रेंड्स ये क्या है आप बताओ, ठीक है हमारे को कमेंट करके बता देना। ठीक, और ये क्या चीज़ है ये भी आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। इसके पास में जो रखा हुआ ये सड़ा हुआ माल ये भी आप बता देना क्या है। और ये देख रहे हो इसको मारवाड़ी में क्या कहते हैं वो भी बता देना। ना अगर किसी को नाम आए मारवाड़ी में तो मेरे को कमेंट करना, मैं आपको बताऊँगा। और ये क्या है ये आप बता देना, और ये तो आपको पता ही है। और वो एक चीज़ रखा हुआ ये रखा हुआ वो
ऐसे ऐसे करके करीब करीब हमारे पास 30 से 40 आइटम हो गए सब्जी में। और ये रहा, इसको कई सारे लोग कई अलग अलग भाषाओं में बोलते हैं। हर एक लोग जो भी देख रहे हैं मेरे व्यूअर, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी अपनी भाषा में इसका नाम मुझे ज़रूर बताएं। हेलो गाइस, आज बस थोड़ा जल्दी निकल रहे हैं अभी, तो ये गाड़ी में मैं जा रहा हूँ और आगे है, आपको पता ही है, अनवर भाई, जो कि गोरी सब्जी भंडार चौटन। अरे यार, पूरा एड्रेस ही दे दिया फ्रेंड्स को। तो अनवर भाई, आज का रूट कहाँ पे है और कहाँ जाएंगे अब? रूट अपना भाई साहब शॉर्ट है, बहुत शॉर्ट है, मूड कम है। मूड अनवर कम ऐसे है कि मैं भी आज बहुत थका हुआ हूँ, क्योंकि मैं सुबह ब्लॉग भी स्टार्ट नहीं कर पाया। अब बस तू आ गया तो फिर तेरे साथ चल रहा हूँ, क्योंकि आज हमारी छत की भराई थी तो हम परेशान थे। अच्छा, इसी वजह से आपके साथ चल रहे हैं। और अभी तक क्या गर्मी भी बहुत है, तो फिर थोड़ा मौसम ठंडा होता तो मेरे लिए और आपके लिए भी अच्छा रहता। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ आपको मैं दिखाऊंगा जो पिछले ब्लॉग में अपन से हुई थी। देखिए फ्रेंड्स, ये एक चीज़ दो मेरी दुश्मन है, वो इसके अंदर घुसा के रख के बैठा है। फ्रेंड्स ये देखो, ये तो दूसरी चीज़ है, लेकिन इसके साथ उन्होंने ये घुसा दिए। अरे फ्रेंड्स, मैं तो इससे बहुत डरता हूँ, इसलिए मैं इसको यहीं रहने देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, निकल चुके हैं हम, हमारा फर्स्ट स्टे। फ्रेश में ताजा सब्जी और फ्रूट, सब्जी और फ्रूट, सब्जी और फ्रूट, सब्जी और फ्रूट, सब्जी और फ्रूट। आइए चौधरी साहब, आइए भाई साहब, आइए माता जी, गाड़ी के पास चले आइए, और आपकी सेहत के लिए फायदेमंद इस मौसम का लाजवाब तोहफा खाने में, इस मौसम का लाजवाब तोहफा खाने में स्वादिष्ट व मजेदार और पौष्टिकता से भरपूर ताजा सब्जी और ताजा फ्रूट, ताजा सब्जी और ताजा फ्रूट, ताजा सब्जी और ताजा फ्रूट। आइए माता जी। फ्रेंड्स, पिछली बार जो मैंने नींबू खाया था वो भाई ने नहीं माना। भाई बोल रहा है कि तू यार आधा खाया, और मैंने बोला या भाई को बोला तू खा, भाई बोला मैं नहीं खाऊंगा। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे ओ यार वो क्या बता रहा है, वो बड़ा इतना बड़ा मैं नहीं खाऊंगा, मैं तो ये खाऊंगा छोटा सा। तो फ्रेंड्स, आपको अब की बार मैं ऐसे निचोड़ के बताऊंगा, क्योंकि पिछली बार मैंने मुंह में डाला और बाहर डाल दिया। आप सोच रहे हो कि वैसे ही मुंह में रख के बैठाऊंगा। तो दोस्तों, मैं जो भी चीज़ आपको बताता हूँ 100% रियलिटी और सच्चाई बताता हूँ। लोग आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करती है, लेकिन मैं किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देखिए, जैसे ये गिर गया नीचे, इसका मतलब आधा। फ्रेंड्स, आधा नहीं, पूरा खाया है, लेकिन भाई का तो आपको बताइए, वो पहले ही ऐसे करता है। देख लीजिए दोस्तों, ये प्रूफ है, ये यहाँ पे फ्रेंड्स, ये प्रूफ ऐसा हमें क्या है कि आपको पता है इतना खट्टा है तो थोड़ा बहुत तो गिर ही जाता है ना। देखिए, और एक बार और आपको दिखाऊंगा। नींबू है दोस्तों, तो अब देखिए इतना सा हो गया, देखो ऐसा हो गया है। अब आपको मैं इसको चबा के भी दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, पूरा चबा लिया है, इसमें कुछ भी नहीं बचा अभी, सारा का जिस जितना इसमें रस होता है वो मैं सारा पी गया हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मुझे पता नहीं चल रहा है, लेकिन जब जैसे मैं खाना खाऊंगा या पानी पीऊंगा ना, तो फिर मेरे दांत है ना वो बिल्कुल जैसे जैसे करेंगे तो मेरे को बहुत कठिन लगेगा। अब मैं इसको फेंक रहा हूँ। फ्रेंड्स, कैसा लगा दोस्तों, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। हेलो फ्रेंड्स, हम पहुँच चुके हैं अपने स्टैंड पे, तो आपको बताएंगे यहाँ पे स्टैंड पे पहुँचने के बाद, क्योंकि आज हम सब्जी बेचने गए थे तो बहुत जल्दी आ गए। जल्दी इसलिए आए फ्रेंड कि वहाँ पे जैसे बहुत गर्मी की वजह से घरों से लोग बाहर नहीं निकले, और हमारी इतनी ज़्यादा मजदूरी और ग्राहकी नहीं हो पाई,
तो फ्रेंड्स अब जैसे ही गाड़ी को नीचे उतरेंगे तो आपको बताएंगे, और एक अच्छा सा कुछ टॉपिक है हमारे दिल में सोचा हुआ, वही कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे वीडियो पे, देखते हैं क्या बताएं आगे। ये क्या है? अब मैंने आधा इसको छील दिया है तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन इसको मैं खाने वाला हूँ। फ्रेंड्स आगे मैंने अनवर भाई मेरे को पहले जो चीज़ खिलाई थी वो आपने देखा था, इसको छील के मैं खाऊंगा तो इसका क्या बोलते हैं, जूस निकाल के खाते हैं, जूस निकाल के खाते हैं। लेकिन इसको जैसे ही कट वैसे मैंने अभी क्या है, मैं इसको छील रहा हूँ तो जल्दी जल्दी छीलूँ आपको दिखाएंगे। मौसमी क्या है? मौसमी बोलते हैं इसको, क्या नारंगी बोलते हैं इसको, मौसमी इसको ऐसे थोड़ी खाए। गलत काम कर रहा है, देखो ना नहीं कैसे खा रहा, तो खाओ इसके बाद हम बताएंगे, ऐसे थोड़ी बताएंगे। खारी हो गई, मुझे पता नहीं है ना, इसलिए मैं डांट इसका जूस निकाल के, इसका जूस निकाल के, इसीलिए तो आपको लोग देखेंगे। नहीं कैसे लेकिन बेलेगा जी, नहीं मेरी बात, अब इसको देखो मैं इसको खाऊंगा ना, ये ऐसी है। लेकिन इसमें दोस्तों मैं इसको यूं करूंगा क्योंकि इसमें बीज है, तो मुझे वो बीज तो बाहर निकालना पड़ेगा क्योंकि बीज से मुझे नफरत है, किसी भी चीज का बीज है ना। अरे यार दोस्तों ये तो कट गया सारा, ऐसे है ये बीज, इसको निकालना पड़ेगा, फिर मैं इसको खाऊंगा। इससे आगे जो मैंने मेरे को भाई ने खिलाया था उससे मेरा मुंह बहुत खराब हो गया है, तो लास्ट में मैं आम खा के दिखाऊंगा। आम तो खाना सबसे इजी है, इजी है फ्रेंड्स, लेकिन वो अनवर बोल रहा है कि मैं तेरे को आम नहीं दूंगा। ये देखो ये अभी इसको मैं बीज निकाल दिया, मैं खा जाऊंगा। नींबू खा ले, कुछ नहीं है ये, थोड़ी है ही नहीं भाई, है ये फेंक है, कुछ खट्टा नहीं है। अब अनवर का तो धंधा वही है, जैसे मैं कुछ भी करूँ वो बोल रहा है तू फेंक कर रहा है, फेंक नहीं है। इसमें कचरा बहुत ज्यादा होता है। दूसरा ऐसा ये है जो इसको मैं ये भी खा जाऊंगा, ये अपना बड़ा भाई अनवर जो गाड़ी चलाता है और सब्जी भी बेचता है, इसका अपने शहर में बहुत बड़ा दुकान है, तो आप कभी जाओ तो मेरा बोल के इससे कुछ भी सब्जी आप फ्री में ले सकते हो। फ्रेंड्स फ्री में नहीं देगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आप फ्री में मांगोगे तो वो क्या करेगा आपको पता ही है, इसके पास एंट्री वाला सिस्टम है, वो मेरे अकाउंट में डाल देगा। फ्रेंड्स ऐसा नहीं करना, आप इसको पैसे दे के सब्जी खरीदना। हाँ ठीक है, थोड़ा आप हमारे चैनल का नाम लोगे तो फिर आपको कुछ मन रख देगा, लेकिन मन रखेगा तो मेरे से वसूल करेगा। फ्रेंड्स ये है जो हम आगे बैठे रहते हैं और ये पीछे तोल, अरे यार ये भी मिर्ची का बोल रहा है। फ्रेंड्स मिर्ची मैं नहीं खाऊंगा, वो खाएगा मिर्ची, कौन वो खाएगा? मेरा भाई। फ्रेंड्स देखिए अब भाई खाएगा, अब भाई भाग रहा है, आपको पता है भाई का कभी कभी चैनल हुआ करता था, लेकिन वो अभी नहीं, वो बोल रहा है कि मैं बनाऊंगा जरूर। तो फ्रेंड्स भाई बहुत ही एक्सपीरियंस बच्चा है, बहुत अच्छा है, प्यारा है, छोटा भाई अपना, ठीक है। और ये आज दोस्तों बहुत जल्दी आ गए, लेकिन आज सब्जी में खास कुछ हमारे मतलब बिकती नहीं, तो इस वजह से भाई पीछे से मिर्ची खा रहा है, धीरे धीरे आप देख रहे होंगे। अभी वो दूसरा भाई है जिसका ये शॉप है फ्रेंड्स, उसका मालिक है, ओनर है, ओनर बोलते हैं पता नहीं क्या बोलते हैं। फ्रेंड्स मैं बाहर का हूँ, मारवाड़ी हूँ, तो मुझे अच्छे से हिंदी नहीं आती है, तो आप छोटी मोटी गलती हो तो माफ़ कर सकते हो, क्योंकि अपना छोटा भाई समझ के या बड़ा भाई समझ के या एक बेवकूफ़ पागल समझ के कुछ भी करके आप मुझे माफ़ कर सकते हो, ठीक है। अब मैं देखूँ दोस्तों गाजी भाई से कुछ लूँगा, और मुझे इसकी खाने की थोड़ी तमन्ना हो गई है, क्योंकि खाने पर मेरा दिल थोड़ा बहुत ज़्यादा है। ये खा रहे हैं फ्रेंड्स, ये है नमकीन, इसको खाएंगे अभी, बहुत अच्छी है खाने में। फ्रेंड्स नमकीन बहुत अच्छी है दोस्तों, ये मुझे इस चीज़ का मन है खाने का, लेकिन ये मुझे देता नहीं है, वो देता है, इनको पता है, मेरे दोस्त है जो भी मेरे व्यूवर है उनको पता है कि अनवर कैसा खतरनाक आदमी है, मुझे मिर्ची में और नींबू में बहुत ही हालत ख़राब करता है।
फ्रेंड्स, हम अगले वीडियो में आपको तूरी को कच्चा खा के दिखाएंगे। आप जरूर बने रहिए हमारे साथ।